हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था कि मैम हमारी जो सुई है मशीन की, वो बार बार अटकती है और अंदर नहीं जाती। कई बार जब मैं शटल चेंज करके वापस से लगाती हूँ तो फ्रेंड्स वो इसलिए होता है कि जो आपका शटल है वो सही से सेट नहीं हुआ। और सही से सेट भी हो गया है फिर भी एक गलती होती है जो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, और उससे क्या होता है, कई बार सुई भी टूट जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसी तरीके से कर रखा है जो कि आपको ये प्रॉब्लम होती है। सुई कई बार का क्या होता है, अंदर नहीं जाती। ये देख रहे होंगे आप, आवाज आ रही है ना, तो ये अटक रही है। और ये होता है जो हमने अब अंदर शटर लगाया है उसकी वजह से। तो क्या गलती होती है आपसे वो देख लें। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी अपनी मशीन को। तो सबसे पहले हम बोल्ट खोल लेंगे अपने। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा ये खोल लिया है। तो अब क्या होता है, जब आप सेट करते हो इसको, जैसे साफ किया कभी शटल को निकाला और वापस से इसको सेट करोगे, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हिला के देखना है और थोड़ा यहाँ से देख भी लेना है इस तरीके से झुक के इधर से, कि पूरा छेद हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आपको सेट करना है। और फिर आप क्या गलती करते हो कि ये जो हमने बोल्ट लगाए हुए हैं ये वाले मशीन के, इसको पहले आप क्या करते हो, एक को ही अच्छे से टाइट कर देते हो, पूरा पक्का करके टाइट कर देते हो और दूसरे को बाद में टाइट करते हो। तो ऐसा नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा दोनों को करते जाना है टाइट। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा इसको किया, थोड़ा इसको किया। तो इस तरीके से करना होता है, थोड़ा थोड़ा, एक साथ किसी भी बोल्ट को टाइट नहीं करना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी मशीन का हाल कि अब जा रही है कि नहीं हमारी सुई। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से जा रही है और अब अटक भी नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो कमेंट आया था कि मैम हमारी सुई इस तरीके से हो रही है, अटक रही है और बार बार टूट रही है। तो इसलिए मैंने सोचा इसका कमेंट में जवाब नहीं देते, इसका वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी लोग जो है वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही प्रॉब्लम होती है, आप अच्छे से सेट करके और जो बोल्ट हैं उनको आप बारी बारी से टाइट करें। तो फ्रेंड्स, इतना सा वीडियो था, इतनी सी चीज को आपको ध्यान में रखना होता है और ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। और मशीन की तो मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, शटल साफ करना क्या क्या जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी इसी चैनल पर देख लेना। और काफ़ी कमेंट भी आते हैं, मैम हम सीखना चाहते हैं। और ये वाला जो चैनल है मेरा स्पेशली बिगनर्स के लिए है, तो आप शुरू से फॉलो करें इस चैनल को और धीरे धीरे आगे बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।